सर्द हवाओं के बाद थार नगरी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात के तापमान में भारी गिरावट के बाद ठिठुरन में बेतहाशा वृद्धि हुई है। अल सुबह पूरी थार नगरी घने कोहरे में लिपटी नजर आती है। सर्द हवाओं के बाद लोग अलाव तापने के साथ ही गर्म पेय व खाद्य पदार्थों का सेवन कर सर्दी से बचने के जतन कर रहे हैं। थार नगरी में सर्दियों ने दस्तक दे दी है। नवम्बर माह के अंतिम सप्ताह में ही कड़ाके का ठंड का दौर शुरू हो गया है। उससे भी पिछले दो तीन दिनों से चले आ रही ठंडी हवाओं की वजह से थार नगरी में ठंड का असर दिखाई देने लगा है। बाड़मेर में शुक्रवार रात और शनिवार को दिन भर तेज गति से हवाएं चलने का दौर शुरू हो गया। तेज हवाओं के कारण एकाएक ठंड बढ़ गई और लोगों को ठिठुरन का एहसास होने लगा। शनिवार सुबह धुंध और कोहरे के बीच दिन की शुरुआत हुई। सुबह ओस पड़ने की वजह से ठिठुरन और बढ़ गई। इस दौरान तेज हवाएं चलने से थार नगरी में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। दिन भर ठंडी हवाएं चलने के कारण लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना भी शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर सुबह और शाम को ठंड से बचने के लिए लोग अलाव तापते नजर आए। इसके अलावा गर्म पेय पदार्थों और खाद्य पदार्थों की दुकानों पर भी भीड़ उमड़ने लगी। थार नगरी में सर्द हवाओं के कारण तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। थार नगरी में शनिवार को अधिकतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार दिसंबर माह के शुरुआत में कड़ाके की ठंड पड़ने के साथ ही तापमान में और कमी की संभावना है।